ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए है, दिवाली के पहले एक दिवाली की धमाका एक न्यूज है। हम दिनेश लाल नेहरा के साथ में ऑलरेडी अभिनाथ से राजनेता एक मूवी हमने साइन कर चुके हैं, केशरी लाल यादव से प्रोडक्शन 2 हो चुका है, थर्ड बाकी था पवन जी के साथ। ये दिवाली की टॉप न्यूज ये आने वाला है, पवन जी के साथ हम दिसंबर में मिड दिसंबर तक हम पवन जी के साथ काम शुरू करने वाला है। मिट्टी का अचानक अवार्ड आपको मिला है, किस तरह की जर्नी रही आपकी और ये अवार्ड पाकर कितना प्रेशर आप अपने आप में महसूस करते हैं? मिट्टी की अवार्ड मिलकर बहुत ही अच्छा लगा हमें, और मिट्टी हमें रिकॉग्नाइज किया है, एक्नॉलेज किया है हमारी काम करने की तरीका, हमारी एज एंटरप्रेनर एंड प्रोड्यूसर हमें रिकॉग्नाइज किया है आइकॉनिक, तो बहुत ही अच्छा लगा है। हाल ही में आपने क्रूज इवेंट स्पॉन्सर किया था, किस तरह का अनुभव रहा और किसी इवेंट को स्पॉन्सर करने के लिए आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? क्रूज हमारे इससे पहले भी हमने स्पॉन्सर कर चुके थे, क्रूज पार्टीज वगैरह हम करते रहते, ऑर्गेनाइज करते रहते, टीम इनोवेशन के साथ, सनवन के साथ, गोवा में, अदर लोकल प्लेसेस में, तो क्रूज बहुत ही अच्छा रहा हमारी और हमारी कंपनी के। आईवेरा स्पॉन्सरशिप पहले जमीन में था, अभी जल के ऊपर भी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट हर जगह देखने लगे। सर, भोजपुरी का 3 बड़े स्टार को आपने साइन किया, इतने बड़े कोई प्रोड्यूसर पहला प्रोड्यूसर है, इतने बड़े स्टार को आपने साइन किया, क्या अनुभव रहा तीनों के साथ में? आपने आईफोन भी गिफ्ट किया, ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये तो सिर्फ 3 स्टार को हम अलग अलग साइन किया, हमें नेक्स्ट ईयर में ये आप लोग को देखने के मिलेंगे, इन वन सिंगल मूवी 3 स्टार्स टुगेदर वर्क करने के देखने के लिए मिल जाएगा आपको। सर, जो अभी रिसेंटली जो फोटो वायरल हुआ था पवन जी के साथ, पहली मुलाकात कैसी रही पवन जी के साथ आपका? बहुत ही अच्छा रहा पवन जी के साथ में, बहुत इमोशनल इंसान है, बहुत इमोशनल इन्वॉल्व हो जाते हैं, ब्रदरहुड उनका अच्छा ब्रदरहुड रहा है, और मार्केट में बहुत सारे नेगेटिविटीज पड़ा रहते हैं पवन जी के साथ काम करने में, लोग डरते हैं, और हम ये 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 गलतफहमी को हम खत्म कर देंगे। हम देखेंगे, लोग कहते हैं ऐसे, हाँ बहुत मूडी है, मिजाजी है, हमें मुझे नहीं लगता कोई मूडी है। मैं 1.5 घंटा हमने बातचीत रहा तो उनके साथ जो मिल पाते हैं तो उनके साथ अटैच होकर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ उनके साथ काम करने डिफिकल्ट है या हार्ड है। सर, फिल्मों के लिए कुछ चर्चाएं हुई, फ्यूचर में कोई फिल्म करने वाले हैं पवन जी के साथ? ये फर्स्ट मूवी हम करके देखेंगे, चेक करेंगे कैसा एटमॉस्फेयर रहे, एनवायरमेंट अगर कंफर्टेबल फील हो तो नेक्स्ट कंटिन्यू बैक टू बैक करते रहेंगे। अशोक भाई, आपने एक अभी एक बात आपने कही कि अगले साल ऐसा होगा कि भोजपुरी सिनेमा के तीनों बड़े स्टार, मैं बात कर रहा हूँ दिनेश लाल यादव निरहुआ की, मैं बात कर रहा हूँ पवन सिंह की, मैं बात कर रहा हूँ खेसारी लाल यादव की, ये तीनों एक साथ आपकी फिल्म में आने वाले हैं, क्या आपने यही बात कही या मैंने ठीक से सुना नहीं? नहीं नहीं, यही सेम वर्ड, ये आप लोग के लिए सबसे टॉप ट्रेंड न्यूज है, अंडर वन अम्ब्रेला यू ऑल कैन सी 3 स्टार्स टुगेदर वर्क इन सिंगल मूवी। कब तक देखने को मिलेगा तीनों के साथ आपकी मूवी? नेक्स्ट ईयर हमें टारगेट है, नेक्स्ट ईयर वी नीड सम टाइम, तीनों के साथ में बैठ के अलग अलग काम करके अनुभव ले, फिर तीनों को ज्वाइन करेंगे। सर, अभी रिसेंटली आपको मिलते थे सर, हो गया था ऑर्गेनाइजेशन ये, हो गया हुआ बस अवार्ड मिला, तो अवार्ड मिलने के बाद आपका क्या अनुभव रहा, आगे आप क्या मतलब हो गया सोचे? मिट्टे के साथ में हमारा ये रिलेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, हम बिलीव करते हैं मिड्डे की हर अवार्ड में पार्टिसिपेट हम करेंगे और मिड्डे हमें रिकॉग्नाइज करेंगे। जी स्टूडियो और टी सीरीज के साथ भी मिलकर शायद आप फिल्म बना रहे हैं, उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? ये हमारा नेक्स्ट प्लान है, अभी तक डिसाइड नहीं किया, हमारी अपकमिंग टास्क में लिस्ट है। भोजपुरी इंडस्ट्री के बाद क्या जल्दी और भी रीजनल लैंग्वेजेस में आप फिल्म बनाना चाहेंगे? हम हर रीजनल लैंग्वेज में वर्क करेंगे, भोजपुरी के बाद हमारी मराठी, बंगाली एंड पंजाबी, गुजराती, सारा रीजनल लैंग्वेज में काम करेंगे। अशोक जी, आपने निरहुआ को लेकर एक बायोपिक अनाउंस की थी, अभिनेता से राजनेता, वो फिल्म सर शुरू नहीं हो पाई अब तक, क्या आप बता सकते हैं कि फिल्म क्यों नहीं शुरू हो पाई, कब तक शुरू होगी? उनका हम 100% रेडी है, राइटिंग भी एंड है, उनका पार्लियामेंट की कुछ
एज पॉलिटिशियन उनका कुछ लॉक थे पार्लियामेंट के कुछ चल रहे तो इसीलिए डिले हो सका है। जनवरी मिड जनवरी तक स्टार्ट होने वाला है। सर आपका शिवसेना से बहुत नाता रहा उद्धव जी से उनका बेटे से, तो जल्दी ऐसा कुछ हमको न्यूज मिला कि आप शिवसेना में बहुत बड़ा कुछ पद मिलने वाला है, सर क्या कहेंगे? हाँ वो पद तो मिलने वाला है, हमें खुद ही इग्नोर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एज सोशल वर्कर हम जरूर अटेंड करेंगे, कोई भी पार्टीज को मेन टारगेट ना करे, एज सोशल वर्कर हम काम करेंगे। ऑफकोर्स मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इंडस्ट्री में इनके जैसे अशोक जी जैसे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हमारे साथ में जुड़े, इंडस्ट्री के साथ जुड़े, ताकि हम लोगों की जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मूवी बन सके, और इंडस्ट्री को ऐसे ही प्रोड्यूसर की ज़रूरत रहती है कि यू नो, हम लोग इनके साथ ही काम करते हैं और इनके साथ ही हम लोग चमकते हैं, और बहुत अच्छा फील होता है कि जब कोई अच्छा इंसान हमारी इंडस्ट्री में आता है और जुड़ के हमारे साथ काम करना चाहता है, तो रियली आई ग्रेटफुल। और इन्होंने इतने अवार्ड जीते हैं और इतने इनके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपको सर। रियली आप बहुत आगे जाओ, अच्छे से बहुत ऊपर जाओ, चाहे वो पॉलिटिक्स हो इंडस्ट्री हो, आप मेरी हमेशा आपके साथ में ब्लेसिंग है। नमस्कार, मेरा नाम श्रीन परवीन है, और अशोक जी नए नए अभी आए हैं इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं, और अभी इनको जो मीटे का अवार्ड मिला है, तो मुझे लगता है कि इनका जो बिजनेस करने का तरीका है और जो आगे जो इनकी ग्रोथ हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, और इंडस्ट्री में एक नया प्रोड्यूसर अगर आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा और अच्छे मौका, अच्छा रोल करने का हमें मौका मिलेगा, शायद कुछ नई स्क्रिप्ट इनके तरफ से आए और हमें काम करने का अच्छा मौका मिले और बढ़िया, और इनके साथ साथ हम भी आगे बढ़े। तो मैं इनको सबसे पहले अशोक जी को बधाई दूंगी आपको बीटे अवार्ड के लिए। क्या थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा जी के देख रहा हूँ और पवन जी के देख रहा हूँ, अभी हाल ही में तीनों के टेलर आए हुए सर, आपने कोई टेलर देखे किसी के? तीनों का डिफरेंट टेलर, कैसे टेलर? पिक्चर के टेलर आए सर, बोल राधा बोल के हैं। नहीं मैंने देखा नहीं, मैंने चेक नहीं किया, हम अपना ट्रेलर ही देखेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट में आप हो, क्या कहना चाहेंगे, कितना प्रोजेक्ट में सर काम कर रहे हो? पहले तो इफाइरा जो हमारी कंपनी है, मैं इस कंपनी का पार्ट हूँ, तो मैंने अशोक प्रसाद अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खेसारी लाल जी का जो फिल्म हम लोगों ने प्रोडक्शन नंबर 2 अनाउंस किया, तो मैं उसका निर्देशन मैं कर रहा हूँ, और जो नेता से अभिनेता राजनेता अभिनेता जो हमारी फिल्म है जिसमें हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, तो उनके संतोष जी हैं, और पवन जी की भी फिल्म एक अनाउंस हुई है, तो मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू। एक हंगामा भोजपुरी इंडस्ट्री में लाने के लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, ये तो शुरुआत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबका मुझे लगता है सबका एक अलग अलग हो रहा है, एक दूसरा से कंपेयर, सब ऑल सारे लोग अपना जगह सब ठीक है, सब अच्छे लोग है, सबका अलग अलग एंगल है, अलग अलग हो रहा है। किशन राय जी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत पैशनेट है काम के लिए। पवन जी बहुत इमोशनल है, ब्रदरहुड बहुत, उनकी ब्रदरहुड बहुत अच्छा लगा। एंड दिनेश लाल निरहुआ जी बहुत कंफर्टेबल इंसान है, बहुत फ्लेक्सिबल इंसान है, तो सारे लोग अच्छे हैं, सबका अलग अलग है। थैंक यू। सबसे पहले तो अशोक जी का बहुत नाम सुना है और आपको आपके अचीवमेंट की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। मैं तो इतने सारे प्रोजेक्ट सुन के खुद एक्साइटेड हो गई हूँ कि मैं भी एक अभिनेत्री हूँ, तो मुझे भी सबके साथ काम करने का मौका मिलेगा, और सर जैसे प्रोड्यूसर अगर मार्केट में आएंगे तो मेरे जैसी काफी जो
अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनको भी बहुत सारा मौका मिलेगा। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाला साल आपका बहुत शुभ हो और ये दिवाली आपके लिए बहुत शुभ हो। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले सभी मीडिया वालों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीशा अली खान एंड कंग्रेचुलेशन टू अशोक जी एंड पूरा टीम को इनका, टू द एंटायर टीम। आई वांट टू कंग्रेचुलेट टू द एंटायर टीम ऑफ दिस कंपनी बिकॉज दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, दे आर मेकिंग सो मेनी फिल्म्स इन भोजपुरी इंडस्ट्रीज एंड आई थिंक यू विल मेक इन बॉलीवुड, मराठी एंड बंगाली वी हैव अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। सो हम लोग भी उस प्लान का इंतजार कर रहे हैं और अचानक से कुछ दिन पहले एक धमाका आया, मैंने बोला क्या धमाका हो रही है, तो मैंने सुना एक ऐसा प्रोड्यूसर आए हैं जो चारों तरफ धमाका करने वाले हैं। सो वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू सी द धमाका एंड ऑलरेडी आप लोग धमाका देख चुके हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे डायरेक्टर एंड स्टार्स को साइन कर चुके हैं। सो होप फॉर द फेयर बेस्ट एंड गुड लक। सर अभिषेक सर आप सबको अवार्ड दिया, अभी मुझे ऐसा पता चला कि मुंबई के जो प्रेस एसोसिएशन, क्राइम प्रेस एसोसिएशन है, उनका एक अवार्ड शो होने वाला है, वहां पे भी आपको एज ए प्रोड्यूसर, एज ए बिजनेसमैन आपको इन्वाइट किया गया, सर क्या कहेंगे? ये हमने पहले कहा मिड डे से हमारा रिलेशन जस्ट शुरू हुआ है, तो एक मिड डे नहीं बाकी सारे प्रेस एसोसिएटेड जितनी भी लोग हैं सारे लोग हमारी वर्क को अप्रिसिएट करेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे, हमें वर्क को अवार्ड देंगे। अशोक से सवाल मेरा आपसे है, सर यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, कल में आप कई सारे प्रोड्यूस करने वाले, हमने यही सुना भोजपुरी इंडस्ट्री में, बाकी एशियन इंडस्ट्रीज में, कोविड के बाद कहीं ना कहीं ओटीटी पर भी सिनेमा काफी आया है, वेब सीरीज भी आए, तो क्या फिल्मों के अलावा वेब सीरीज भी आप करेंगे या ओटीटी या थिएटर दोनों मीडियम में, किसमें आप ज्यादा आगे? हमें हिंदी हिंदी वेब सीरीज के बारे में कुछ अपकमिंग फिल्म है, किस तरह की मूवी होने वाली है, हिंदी में है कि भोजपुरी सबसे ज्यादा प्रेफर करने वाली? डिशेज के साथ में हिंदी, ऐसा एक लैंग्वेज थी जहाँ पे ऑल इंडियंस कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, मतलब इसमें जो आप मूवी करने वाले हैं उसमें न्यू कमर्स आने वाले हैं कि जो नो 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 हम एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ में काम करेंगे, नॉन न्यू कमर्स।